गोली मामा, ओ गोली मामा, पंक्चर बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या नाम पुकारा तूने? और क्या, तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से पुकारा। पंक्चर छोड़ो, तुम्हारी कार ही बेकार है, कोई यहाँ रिपेयर नहीं हो सकती, जाओ। सॉरी राहुल, तुम मेरा नाम हमेशा गलत क्यों बोलते हो? सुबह खाया हुआ याद नहीं रहता, तो तुम्हारा नाम कहाँ से याद रहेगा मामू? राहुल, स्टिल बैचलर, सर्चिंग फॉर लवर। आइए दीदी, आइए। लाल साड़ी में ये एकदम पटाखा लग रही है ना मामा? ये है भी जबरदस्त पटाखा, जहाँ जाती है बम फोड़ देती है। वो झुका क्यों नहीं? एक सेकंड में वो पोजीशन में आना चाहिए। जी दीदी। घुटनों का ऑपरेशन हुआ है दीदी, इसलिए झुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बार एडजस्ट कर लीजिए ना। इस लड़की को यहाँ के सभी लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। ये मैडम यहाँ की कॉर्पोरेट है क्या? नहीं, जनरेटर है। मतलब पावर देती है क्या? नहीं, लोन देती है। दीदी, आपने इस दुकान के लिए लोन दी, हमारी फैमिली को लाइफ दी, आप लेडी लेजेंड हो दीदी। अब इस रिबन को काट कर मेरी लाइफ सेट कर दो दीदी। ये लो दीदी। वो दान धर्म कर रही है ये सोच रहे हो क्या? जनता को लोन देती है, शातिर तरीके से डॉक्यूमेंट्स में फंसाती है, और इसी बहाने लोगों से ज्यादा सूद वसूलती है। अगर लोन नहीं चुकाया तो बोन तोड़ देती है। जिन्होंने लोन लिया है उन पर ये बहुत जुल्म ढाती है, इसके लालच का कोई हद ही नहीं है। इस लड़की के बारे में इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली मामा? ठंडी के दिनों में मेरे अंदर के हारमोन्स हारमोनियम बजाने लगे थे। मुझे मूड आया, उससे बचने के लिए मैं गांव गली घूमने लगा। लोनली नहीं रह सका, इसीलिए लोन वाली लक्ष्मी से मिला। लोन लेकर लवर को ढूंढना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या रे, पेमेंट नहीं दिया और इधर आके फ्लर्ट कर रहा है। क्या कहा? तोड़ दो इस 2x2 को। एक मिनट, मारो इसे। लवर नहीं मिली इसीलिए पैसा वापस नहीं किया, इसी बात पर धो डाला मुझे। सबको यही बोल दिया कि बाथरूम में फिसल गया, इसीलिए ब्यूटी स्पॉट डैमेज हुआ। मेरे नाक पर मार कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। चाबी भांजे, भांजे, मेरे जख्मों का बदला तू ही लेना उससे। क्यों खामखा लड़की के साथ पंगा लेना, छोड़ो ना मामा। भांजे वो राक्षस ही है, कम मत सोचना उसे, इंडस्ट्री के सारे विलेंस की पैकेज डील है वो। अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है मामा, इसके लिए कोई प्लान वन है? तू मान गया, प्लान अपने आप बन जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक SMS कर दो उसे कि तुझे लोन चाहिए, एकदम चिपक जाएगी तुझसे। ओके, थैंक्स अ लॉट। इतने लोगों की जिंदगी से खेलेगी तू? तेरे जीमेल को जंक मेल में बदलने के लिए टफ मेल भेज रहा हूँ। ये भी उसमें मिलाकर पैक कर दो। भांजे, भांजे। हेलो, मेरा नाम महालक्ष्मी है जी। आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या जी? मेरी तिजोरी में बहुत माल है, जरूरत नहीं है, सॉरी। आप ऐसा क्या करते हैं सर? लोगों की भलाई का काम करता हूँ। ओह, मतलब बिजनेस है आपका? नहीं, जिम्मेदारी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। टाइम पास करने का टाइम नहीं है, फोन रखता हूँ। फोन कट मत कीजिएगा, एक मिनट बात कर लीजिए ना। आखिर क्यों? आपके वॉइस में जो वाइब्रेशन है, बातों में जो मॉड्यूलेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जरूर पहले कहीं मिल चुके हैं? मैं पहले किसी भी लड़की से नहीं मिला हूँ। क्या बात है, सुपर। तो वो फर्स्ट चांस मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मैं दे दूंगी। क्या दोगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे इरिटेशन हो रही है। प्लीज प्लीज, अपने साथ कॉफी पीने का एक चांस दे दीजिए ना। फिर उन फीलिंग्स को अपने हार्ट के डिस्क में सेव करके मैं लाइफ लॉन्ग आपकी उन मेमोरीज के साथ जी लूंगी। प्लीज सर। बेसिकली लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो हम कहीं जाकर कॉफी जरूर पी सकते हैं। ओह यस, शाम को 6 बजे कॉफी शॉप। बस में करने के लिए गुड़िया बन के आ रही है, देख रहा है ना तू भांजे? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहीं तू भी उसके जाल में फंस तो नहीं जाएगा? मैं क्या तुम्हें कुछ छिछोरा लड़का लगता हूँ मामा? पहले तो स्ट्रिक्ट रहते हो, बाद में स्टिक हो जाते हो। फिर भी तुम जरा कंट्रोल में ही रहना, बहुत डेंजर है। मैं अभी आता हूँ। आप ही महालक्ष्मी है ना? मेरा नाम बॉस। मैं महालक्ष्मी हूँ, आपने कैसे पहचान लिया? इतना सज धज कर आने वाली महालक्ष्मी ही हो सकती है, जस्ट गेसिंग। You're a genius, हाँ जी। Excuse me. Sir, cappuccino coffee. अरे, order देने से पहले ही ये coffee लेकर आ गए? हमारे owner को किस समय क्या चाहिए मुझे पता है। इनकी control में रहने वाला remote control मैं ही हूँ।
ओनर आप? Your guess is correct. इस जगह के बॉस यही है. So nice. Nice to meet you. क्या हो गया जी? आपके हाथ में 440 का करंट है क्या? उत्तरी. मेरा ये फर्स्ट टाइम है जी. आज से पहले मैं किसी लड़की को इस तरह रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिली हूँ. मैं आपके जैसा नहीं हूँ जी. वो क्या है ना, कभी किसी लड़कियों के साथ बैठकर कॉफी नहीं पी है. बेसिकली मैं थोड़ा शर्मीला हूँ. तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए ना, शर्म कम हो जाएगी. क्या हुआ, आंखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आंखों में भी करंट है, उन्हें देखते ही झटका लग गया. भांजा तो रोमांटिक निकला. क्या हो गया जी, आप चौंक क्यों गए? कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है. आपको देखने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में हूँ, आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पैराशूट में लटक रहा हूँ. ओहो, पैराशूट की हवा निकल गई और हम दोनों के बीच का फासला कम हो गया. मुझे भी यही चाहिए था. चलो अच्छा है, अब आपका काम चालू कीजिए ना. उसे तो आपने मना किया ना. मैं तो कॉफी पीने की बात कर रहा था. लेकिन अगर लोन ले लेते तो मेरी मदद हो जाती ना. आप फोर्स करेंगी तो मुझे लेना ही पड़ेगा. लेना कोई गलत बात नहीं है जी. अगर आपको गलत नहीं लगता तो मुझे चलेगा. थैंक यू, जल्दी वापस मिलेंगे. आपके साथ वक्त बिताने के लिए? नहीं नहीं, कॉफी हाउस का बिल बढ़ाने के लिए. वेलकम तो एनी टाइम है जी. टच में रहूंगी. हाँ, आपके टचिंग का मैं इंतजार करूंगा जी. बाय जी. दीदी दीदी, नाइंसाफी हो गई. चिल्लाओ मत, तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं. जल्दी बताओ बात क्या है. तुम्हारी शादी करवा के मैं रिसेप्शन भी रखूंगी. अरे नाइंसाफी शादी में नहीं, पैसे की रिकवरी में हुई. क्या है? तो जल्दी बताना बात क्या है. वो गोरा चिट्टा जिसे तुमने 2 लाख रुपए दिए, वो कॉफी शॉप का ओनर नहीं है. लौट गए दीदी. आपकी मेहरबानी से मैंने बाइक सीख ली. आजकल बाइक नहीं रहेगा तो लड़कियां लाइक नहीं करती. के साथ आई है, लगता है हमारी जम के धुलाई करेगी. हमारी धुलाई करेगी? हम कोई मैले कपड़े हैं जो धुलाई कर देगी? ऐसा लगता है इस प्लान में तुम भी शामिल हो 2x2. कौन है मामा ये लड़की? अरे रे रे रे, तुम तो छा गए हीरो. ऑस्कर अवार्ड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए. बाप रे क्या बात है. डेविल के आगे ड्रामा मत करो. डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दो, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ. ओह नो, क्या बात है? डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर नहीं दिख रहे दीदी. उस दिन तो साइन किया था ना इसने. किया था उसने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दीदी. क्या हो गया भांजे? गायब, इट्स गॉन. इस पेन से लिखी हुई इंक 2 घंटे में गायब हो जाती है मामा. 400 BC करके इस गूगली महालक्ष्मी से धोखा करोगे तो? तुम करो तो व्यापार, हम करे तो गद्दार. तुम दोनों के तो कनेक्शन ही मैं काट डालूंगी. इनको ऐसा मारो कि दोनों को अपनी अपनी नानियां याद आ जाए. मारो इन्हें. हटो, क्या कर रही हो? हटो, हटो, छोड़ो इसे. मारने को बोला था, उससे चिपकने क्यों लगे तुम लोग? उसकी खुशबू ने हम पर जादू कर दिया. तुझे क्या लगा बैट से अटैक करेगी तो मैं डर जाऊंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, आप पर अटैक कराने के लिए मेरी बुद्धि मारी गई है क्या? फिर आगे का प्लान बता. कुछ टपोरी लोग मुझे लाइन मारते हैं ना, इसलिए ये गेटअप करना पड़ता है सर, वरना मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ. तुम तो ब्यूटी ऑफ इंडिया हो ना, तुम्हें तो सिक्योरिटी भी चाहिए. अगर मैं आपको सॉरी बोल दूँ तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर? इस रिक्वेस्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई दे रही. तो ऑनेस्टी के लिए क्या करना होगा सर? परसों जैसे कॉफी हाउस में एक्टिंग की थी ना, वैसे करके दिखाओ. अरे ये क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए ना. वो क्या है ना, वो जरा तुम्हारा हाथ इधर दो. तुम्हारा हाथ हाथ नहीं, इलेक्ट्रिक का खंभा है. इसी हाथ से कभी कभी पब्लिक की हेल्प भी कर देती हूँ सर, सच कह रही हूँ. हेल्प के नाम पे कुछ और तो नहीं कर रही हूँ? मैं कुछ भी करूँ आपको क्या? जिसको जरूरत होती है उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होती, वरना जरूरत पूरी नहीं होती. सॉरी सर, मेरे पैसे वापस कर दीजिए ना. जिसके हाथ में सत्ता होती है उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, ताड़ के झाड़ की तरह सीधा खड़ा रहता है. सत्ता खोने वाले की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई रहती है. अब बताओ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है? रीढ़ की हड्डी टूट गई है सर. तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा देने का मूड नहीं हो रहा है. सर मूड बनाने के लिए और क्या करना होगा? पब में आना पड़ेगा, मैं 2-4 ड्रिंक पीऊंगा और तुम कुछ ठुमके लगा देना. पैसे वसूल करने के मेरे पास और भी कई रास्ते हैं. दीदी दीदी दीदी, अगर पैसा वसूल करना है तो इसकी बात माननी होगी. पब में जाओ ना दीदी. तुम्हें क्या, दीदी जाओ पब में, जो खर्चा होगा उससे मेरा ही तो लॉस होगा. अपना पैसा वापस पाना है तो हमें झुकना पड़ेगा दीदी. हाँ दीदी, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है.